और विदेशी मामलों के जानकार एके मिश्रा हैं। एके मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम सर। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर टीसी राव भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एके मिश्रा जी आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि हमने बहुत से ऐसी चीजें दुनिया को देने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन कोशिश में हम कितना कामयाब है बड़ा सवाल है। आजादी के बाद हमारा प्रयास रहा कि पंचशील के सिद्धांतों पर हम काम करें, हम दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाकर रखें, हमारा साम्यवाद के साथ भी पूंजीवाद के साथ भी बेहतर रिश्ता बनाकर रखने की कोशिश रही। लेकिन इन सबके बीच अगर मैं अपने देश की बात करूं, भारत की बात करूं, तो हमें क्या हासिल हुआ? हमने जो चीजें दुनिया को देने की कोशिश की, बदले में भारत को क्या मिला? देखिए, मैं हजारों साल के इतिहास से लेकर और मॉडर्न एज तक की मैं बात करूंगा जी। डेफिनेटली शांति का पाठ हमने पढ़ाने की बात की और मुख्य निरपेक्षता की बात हमने हमेशा की, लेकिन कंक्लूड किया जाए तो किया ये जाएगा कि हमें मिला कम और हमने गंवाया ज्यादा। और इसके लॉजिकल एग्जाम्पल है, आजादी के बाद अगर आप देखते तो चीन ने हमारी भूमि पे कब्जा किया, हमने गंवाया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं राजनीतिक और इकोनॉमिक जिसने की हमको जितना बेनिफिट लेना चाहिए था या मिलना चाहिए था हमें नहीं मिला। वीटो पावर हम बनने वाले थे, लेकिन हमने इसकी पंचशील या शांति का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने पे वीटो पावर जो है वो चाइना को मिल गई। चाइना और भारत लगभग एक जैसी भौगोलिक परिस्थिति, एक जैसी इकोनॉमिक परिस्थिति थी। देखिए, रामायण काल से एक कहावत है, एक दोहा है, बिनु भय होइ न पीति। एक देश में निहित जितनी शक्तियां होती हैं, आर्थिक शक्ति हो गई, मसल पावर यानी मिलिट्री पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर हो गया यानी कूटनीति की जो शक्ति होती है, एक देश को ये सारे के सारे समय के अनुसार एक्सरसाइज करने चाहिए। जो शांति प्रिय है उनके साथ शांति के राग लापने चाहिए, दोस्ती के हाथ बढ़ाने चाहिए, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनके साथ ये सारी की सारी शक्तियां हमें प्रयोग में करनी चाहिए। सुख ये है कि हम शांति की बात करते रहे और हमारे पड़ोसी देश और दुनिया के दूसरे देश क्रांति की बात करते रहे, भारत में ही विद्रोह और क्रांति की बात करते रहे। तो शांति और क्रांति का दोनों समुचित प्रयोग होना चाहिए अगर आपको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। यह प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अदरवाइज केवल शांति का राग आपके रहने से आप हमेशा लॉस में रहेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, 2014 के बाद शांति और क्रांति दोनों चीजों की बातें हो रही हैं, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। ठीक है भाई, अगर आप शांति में विश्वास करते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप मसल पावर में विश्वास करते हैं तो उस तरीके से भी आपका स्वागत है, मेहमानों का स्वागत हम हर तरीके से करने के लिए तैयार हैं। और सही रास्ते पे भारत की जो पुरातन परंपरा रही है, जो डिप्लोमेटिक विजन इंडिया का रहा है, सिर्फ डिप्लोमेटिक विजन से चल के प्रैक्टिस करके इंडिया कभी विश्व गुरु बना था, आज वो फिर से इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको अभी प्राइमा फेसी दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें दूर हो जाएंगी और इसके रिजल्ट बहुत फेवर में आएंगे। जब बदलाव आया, मैं एके मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा। एके मिश्रा जी, एक आजकल एक बड़ा संवाद प्रचलन में आ गया है कि 1962 का ये भारत नहीं है, इस संवाद में ताकत कितनी और राजनीति कितनी आपको नजर आती है? एक बड़ा प्रश्न है जो आजकल हम सुन रहे हैं। देखिए, राजनीति एक पॉइंट पे तो मैं राजनीति मान सकता हूँ कि हाँ भाई, सरकारें जो भी होती हैं क्योंकि वो पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, तो अपनी अचीवमेंट को डेफिनेटली पॉलिटिकल माइलेज वो लोग लेते ही लेते हैं। ये किसी भी देश की सरकार रही हो, जब भी ऐसा रहा हो, तो जो भी पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है उसका वो माइलेज लेते हैं, और अच्छी चीज का माइलेज लेना कोई बुरा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि आजादी के बाद यानी 1962 के आसपास आप देखेंगे जो भारत की सेना थी, अगर मिलिट्री पावर की बात करें, और आज तक उसमें सारे सरकारों का सहयोग रहा है, किसी व्यक्तिगत एक सरकार का सहयोग की बात आप मत करिए। दुनिया की जब हम आजाद हुए थे, अगर आप उस वक्त देखेंगे तो हमारी भारतीय सेना कोई एक उसको एक प्रोफेशनल सेना आप नहीं बोल सकते थे। लेकिन आजादी के बाद से आज की स्थिति में आप ये देखिए, लगभग सेना से जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी काबिलियत को नापने के लिए, उनकी एक्सपर्टाइज को नापने के लिए, नंबर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी है। टेक्नोलॉजी में देखेंगे, फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में देखेंगे, हमारी जो है वायुसेना अगर देखेंगे तो कहीं तीसरे चौथे पे आती है, आर्मी को देखेंगे तो तीसरे चौथे स्थान पे आती है। ये सब उपलब्धियां हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर फायर पावर और मिलिट्री पावर की बात की जाए
तो कहीं ना कहीं भारत जो है तीसरे चौथे नंबर पे आता है। तो ये उपलब्धि है। आप ये देखिए, आजादी के बाद से 70 सालों में अगर तीसरे चौथे रैंक को हासिल किया जा रहा है, दूसरे तीसरे चौथे टॉप थर्ड फोर्थ में आप बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का बात है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और ये 120 करोड़ भारतीयों के डेडिकेशन की बात है, ये हमारे जेनेटिक्स की बात है कि हजारों साल का जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारा कैरेक्टर रहा है युद्ध के मामले में, हम उसको फिर से अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है, मध्ययुगीन एज में देखा जाए तो इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था, हमारी सेनाएं कमजोर हो गई थी, गुलामी के दौर से भी हम गुजरे हैं, लेकिन जहां हम 200,000 साल की गुलामी से हम गुजरे हैं, 70 सालों में उसको रीगेन कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फर्स्ट सैल्यूट मैं दूंगा अपने देश की 120 करोड़ की जनता को दूंगा, उनके विल को। देखिए, सेना में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सैनिक मैन, जो हमारे जवान है, उसको कौन पैदा करता है भाई? मशीन और हथियार तो हम बाहर से खरीद लेंगे, लेकिन सैनिकों को तो भाड़े पे नहीं ले सकते हैं ना, दूसरों से नहीं। तो भारत माता की वो देवियां, वो माताएं जो उनकी कोख को सलाम है पहली बार की, जो कि ऐसे वीर सपूतों को पैदा करती हैं, और ये परंपरा जारी है। 1971 में हमारे पास उतने टेक्निकल हथियार नहीं थे जो पाकिस्तान के थे, ये भारत माता भारतीय स्त्रियों की ये कोख जो शिवाजी को पैदा करती है, महाराणा प्रताप को पैदा करती है, वो परंपरा आज भी जारी है। यहाँ पे ऐसे वीर सपूतों को पैदा करती है। बिल्कुल, ये तीन सौ लोगों की हड्डियां तोड़ी है, ये कहीं और दूसरे देश की स्त्री की कोख जो है इतनी राष्ट्रीयता से परिपूर्ण नहीं होती है, जितना तो हमारे की माताएं पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही बशीर, ये कह सकते हैं कि ये जब 62 में हमें लगा कि हमारी सेना को और ज्यादा ताकतवर होना जरूरी है, उसके बाद ये काम शुरू है, अब तक लगातार हो रहे हैं। मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने शुरू में क्या इस बात में थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं चला गया, हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें सेना के ऊपर काम करना चाहिए, तकनीक पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम अगर गुट निरपेक्षता की नीति के अलावा किसी गुट के साथ खड़े हो जाते, जैसे कि और तमाम राष्ट्र खड़े नजर आए, अगर हम किसी गुट के साथ खड़े हो जाते तो क्या हालात पहले बदल सकते थे, और हमें जो 62 में जिस तरह से नुकसान हुआ वो उस नुकसान से हम बच सकते थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, निरपेक्ष होना ये तो दुनिया में संभव ही नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन ने किया है, या तो आप सापेक्ष हो, यानी कि आइदर यू आर ए फ्रेंड और यू आर फूल, या तो आप मित्र हो या दुश्मन, आप निरपेक्ष नहीं रह सकते हैं पहली। इसलिए आपके फेवर के कौन कौन है उन लोगों को पहचानना होगा, उन देशों को पहचानना होगा, आपको एक समूह बनाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि आजादी के समय में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वहां पे खत्म हुआ था, पीस की अपील ज्यादा हो रही थी, तो हो सकता है उस वक्त जो नीति नियंता थे उनको ये ज्यादा लुभावना लगता रहा होगा, या पूरे विश्व को की कूटनीतिकता शांति वगैरह, लेकिन वो हमारा एक भ्रम था, वो एक युवा स्वप्न था, डे ड्रीमिंग था, और बहुत ही जल्दी इसको चाइना ने और रिपीटेड वे में पाकिस्तान ने, 1962 का वार हुआ, फिर शायद उसके बाद पाकिस्तान ने क्या 67 में कर दिया, फिर 71 हुआ, फिर कारगिल हुआ, घुसपैठ वगैरह लगातार होती रही। तो थैंक गॉड, मतलब भगवान का इस मामले में मैं शुक्रिया भी बोलना चाहूंगा, ये जो एक चश्मा चढ़ा हुआ था ना ग्लोबल पीस, देखिए ग्लोबल पीस वगैरह सब अपनी जगह मायने सर सही है, दुनिया को लीड कौन करता है जब तक आपके पास मसल पावर है, मिलिट्री पावर है। नालंदा में आपने बड़ा विकास किया, हजारों साल लग जाते हैं एक सभ्यता को समृद्ध करने में, बनाने में, और कुछ सालों में वो सभ्यता लूट जाती है, इसका गवाह हमारा इतिहास रहा है। हजारों साल में जो है हमने बनाया अपने देश को दुनिया का नंबर वन, इतनी दौलत यहाँ से लूटी गई, कुछ मुट्ठी भर लुटेरे आते थे, उसके पीछे कारण है कि जरूरत से ज्यादा हम केवल 30-30-30 की बात करते रहे, और 30-30 की बात करते हुए अखंड भारत न जाने कितने पीसेज में बट गया। तो मैं ये बोलूंगा कि 30 वगैरह सब एक तरफ है साहब, जो 30 में बिलीव करते हैं उनके लिए 30 है, और जो पीसेज में बिलीव करते हैं उनके लिए पीसेज है। ऐसी लाइफ भी हमें रखना चाहिए, मिलिट्री पावर रखना चाहिए, तभी हम अपनी समृद्धि को, अपने विकास को सुरक्षित कर सकते हैं। नहीं तो नालंदा और भूतपूर्व जो अपने देश में हुआ, नालंदा वाली हालत होगी, या कोई ना कोई आएगा, कहीं हमारी जमीन हड़प लेगा, कहीं हमारे धन दौलत को हड़प लेगा, कहीं हमारे पावर को, हमारे अधिकारों को हड़प लेगा।